आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप पीएफ अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पीएफ अकाउंट का नए यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको पीएफ अकाउंट नंबर को एक्टिव करना होगा। अगर आपको पीएफ अकाउंट नंबर नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपका एक्टिव किया हुआ नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद उसमें पासवर्ड कैसे फॉरगेट किया जाता है, उसमें कैसे लॉगिन किया जाता है, लॉगिन करने के बाद उसमें केवाईसी कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना होगा। उसके बाद यहां आप टाइप करेंगे EPFO और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल साइट आ जाएगा epfindia.gov.in। चलिए इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहीं से एक नए टैब में रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से आप पीएफ नंबर को एक्टिव कर सकते हैं, और नो योर यूएएन नंबर पे क्लिक करके आप अपना पीएफ नंबर को जान सकते हैं। चलिए मेरे पास पीएफ नंबर है तो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जानना है तो इस पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। चलिए मुझे एक्टिव करना होगा तो एक्टिव करने के लिए यहाँ एक्टिव यूएएन नंबर इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो इसको चूज़ करेंगे और यहाँ मेंबर आईडी नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो इसको चूज़ करेंगे और यहाँ पीएफ नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ नेम फिल करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ऑथेंटिकेट पिन इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चल गया है, वो ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिव यूएएन इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, योर यूएएन हैज़ बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना और डायरेक्ट जाके मुझे अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फिर से होम पेज पे क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे। उसके बाद हम यहाँ फॉरगेट पासवर्ड इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरा यूएएन नंबर सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है तो मुझे पासवर्ड फॉरगेट करना है, क्योंकि मुझे पासवर्ड अभी पता नहीं है। उसके बाद यहाँ अपना पीएफ नंबर को फिल करेंगे, ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ अपना नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप फिर से देखिए आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे और ये टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आपका आधार कार्ड देखिए वैलिडेट लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद यहाँ आधार लिंक मोबाइल नंबर को फिल करना है, यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, जो भी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी गया है वो ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको वहाँ पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आप नया पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएफ अकाउंट को लॉगिन करके उसमें केवाईसी कैसे कर सकते हैं, और उसमें जो पैसा है उस पैसे को कैसे चेक कर सकते हैं, अगर वो पैसा आपको निकालना है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।